इटली के कन्वर्सोन के दमांदे कल फिल हो रहे हैं। जो एप्लीकेंट इटली में कच्चे हैं उनको कच्चे से पक्के करने के लिए ये पेपर्स होते हैं। कन्वर्सोन के दमांदे होते क्या हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत LLB। कई व्यूअर्स के जो है सवाल आए हुए थे, स्पेशली इटली से बहुत से सवाल आए हुए थे, जिसमें वो पूछ रहे थे कि सर हम इटली में पक्के कैसे हो सकते हैं। तो डियर, सबसे पहले आपको बता दें कि इसका कोटा जो है वो 4000 मीन्स 4000 का कोटा आया हुआ है। और कन्वर्सोन के दमांदे एक अच्छी ऑप्शन होती है, एक अच्छा विकल्प होता है जो लोग सीजनल मीन्स के खेती बाड़ी वाले 9 महीने वाले पेपर्स के ऊपर इटली में आए हैं। तो डियर, इसके लिए कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले तो सीजनल पेपर पर आए एप्लीकेंट्स की किट जो है वो जमा होनी जरूरी होती है। अगर आपकी किट जमा नहीं हुई तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका कोटा सिर्फ 4000 है। तो जो अभी सीजनल पेपर निकले हैं, जो सीजनल पेपर 12 तारीख को फिल होने जा रहे हैं, तो उसके लिए 80,000 प्लस 80,000 से ज्यादा का कोटा है। और कन्वर्सोन के दमांदे जो निकले हैं वो सिर्फ 4000 निकले हैं। तो इसके लिए बहुत से एप्लीकेंट जो है रह जाते हैं। हालांकि ये वाले पेपर जो कन्वर्सोन के दमांदे है, अभी जो 12 तारीख को फिल होने पेपर, वो वाले पर्सन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इटली में रह रहे हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोटा का कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि सीजनल पेपर का कोटा बहुत ज्यादा होता है और कन्वर्सोन के दमांदे का जो कोटा है वो लिमिटेड होता है। इसके लिए ऐसे एप्लीकेंट जिनको जिस इंप्लायर ने इनवाइट किया है, मींस कि जिस मालिक ने इटली में बुलाया है, उसी के काम पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसका किट जो है वो परफातुरे में जमा होना चाहिए, परफातुरे में उसमें रिपोर्ट किया होना चाहिए। कि इसमें किट जमा करवाने की रिसिप्ट जो होती है वो भी आपका जो कन्वर्सोन के दमांदे अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और नेक्स्ट जो है 3 मंथ्स का टैक्स, 3 महीने का टैक्स जो है वो इंप्लायर के द्वारा, ठीक है ना, सरकार के पास जाना चाहिए। तो सो ये वाली रिक्वायरमेंट होती है कन्वर्सोन में अप्लाई करने की। अगर ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ लोग पूछते हैं कि सर सुजोर्नो मिला है नहीं मिला है तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो डियर, ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपको सुजोर्नो मिला है या नहीं मिला है, बट आपकी किट जो है वो जमा होनी जरूरी होती है, क्योंकि इसकी रिसिप्ट जो है इन पेपर्स में साथ में लगती है। और 3 मंथ्स जो 3 महीने आप एक एम्प्लायर के पास काम कर चुके होने चाहिए। सो डियर, आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्सोन के दमांदे का, ठीक है ना, कंप्लीट मैटर क्या होता है। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।